आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं रक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। फेसबुक पर बसपा सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी किए जाने से नाराज जनपद। मैनपुरी के कस्बा करहल में सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने खासा आक्रोश दिखाया है। आज दोपहर कस्बा करहल स्थित नत्यू सिंह यादव चौराहे पर एकत्र होकर सपा बसपा के झंडे लहराकर नगर के सब्जी मंडी सुभाष, गेट नगर पंचायत तिराहा आदि स्थानों से होकर जुलूस निकाला। जुलूस में सपा बसपा जिंदाबाद व बहन मायावती का यह अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे के नारे लगाकर अपना रोष प्रकट किया। तत्पश्चात सभी कार्यकर्ता तहसील मुख्यालय स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे, जहां उन्होंने करहल उप जिलाधिकारी राम सकल मौर्या को प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोपी सोनू राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजे जाने की मांग की गई है। बताते चलें, बीते दिनों फेसबुक पर सोनू राजपूत नामक युवक ने बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैला है। करहल से रामकिशोर वर्मा की रिपोर्ट। राजपूत जनपद मैनपुरी के निवासी हैं, जिन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए गलत टिप्पणी की है, अभद्रता की है। उनके जो शब्द हैं वो बहुत ही अशोभनीय हैं और हम सभी समाजवादी कार्यकर्ता बहन जी के सम्मान में आज सड़कों पे हैं। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी द्वारा। तो क्या मांग करने जा रहे हैं हम लोग उनकी? जनपद मैनपुरी के निवासी सोनू ठाकुर ने परमादाड़ी बहन कुमारी मायावती जी के फेसबुक पर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसको लेकर हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग सोनू राजपूत की गिरफ्तारी के लिए आज हम लोगों ने उप जिलाधिकारी जी को तहसील परिषद में ज्ञापन दिया और हम ये चाहते हैं कि उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। थैंक यू। अन्याय, अत्याचार और साजिशों के खिलाफ 22 जनवरी 2019 दिन मंगलवार प्रातः 11 बजे पोल खोल जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस पोल खोल जिला सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सम्मेलन को सफल बनाए स्थान NH2 रामलीला मैदान शिकोहाबाद, मुख्य अतिथि हरिओम यादव, विधायक सिरसागंज निवेदक विजय प्रताप यादव छोटू भैया, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत फिरोजाबाद।